कैसे करेंगे? अब उत्तर प्रदेश की बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने बवाल कर दिया। बवाल इतना बढ़ गया कि कांवड़ियों की भीड़ ने पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ कर दी। पेट्रोल पंप के शीशे तोड़ दिए और ऑफिस के सामान में भी तोड़फोड़ की। इसी दौरान पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी मनोज की पिटाई भी कर दी गई। बुरी तरह पिटाई के बाद मनोज को अधमरा छोड़कर और उसे अस्पताल में एडमिट करने के लिए छोड़ दिया गया। विवाद एक बेहद मामूली सी बात से शुरू हुआ। बताया जाता है कि कांवड़ियों के बीच में कुछ उपद्रवी आम खाकर गंदगी पेट्रोल पंप के पास कर रहे थे। मनोज ने इन कांवड़ियों को पेट्रोल पंप के पास गुठली फेंकने से मना किया, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। कहा सुनी से बात शुरू हुई और देखते देखते कांवड़ियों की भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई कि आम तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे कांवड़िए तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन कांवड़ियों के बीच में मौजूद इन लोगों को कांवड़ियां कहना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरीके का बर्ताव, तोड़फोड़ और उपद्रव का कांवड़ यात्रा से कोई लेना देना नहीं होता है और ना ही इस तरह की हिंसा की कोई जगह होती है। और सावधानी की बड़ी बात, गुड़गांव के सेक्टर 37D की पॉश सोसाइटी में 5 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई है। कुछ देर बाद